हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 नंबर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन. बिफोर टू स्टार्ट विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, आई वुड लाइक टू डिस्कस अ लिटिल बिट एज इट इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री. तो बिफोर टू स्टार्ट विद व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी. यार, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक को हम बोलते हैं हिस्ट्री एंड सेकंड वन इज नोन एज प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक इवेंट्स. तो हिस्ट्री क्या होती है? वो हमारा पास जिसके बारे में हमारे पास रिटन एविडेंसेज, रिटन प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं, और वो हमारे पास का पार्ट जिसके बारे में हमारे पास रिटन प्रूफ्स, रिटन एविडेंसेस मौजूद नहीं होते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड. तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उसको हम हिस्टोरिक कह सकते हैं, क्योंकि वी आर हैविंग नंबर ऑफ एविडेंसेस जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी मौजूद हैं. बट एक जो थिंग है दैट इज़ नॉट इन आर फेवर, दैट इज़ उनकी जो स्क्रिप्ट है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. अभी तक हम उसको डीकोड नहीं कर पाए हैं, उसका मीनिंग नहीं जान पाए हैं. स्टिल अभी उस पर काम चल रहा है. मे बी विद इन फ्यू ईयर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं और जो रिलेटेड अदर मेंबर्स हैं वो मे बी इसको डीकोड कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? तो हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है? हिस्ट्री से हमें पता चलता है हाउ मैन एंड वीमेन लिव्ड फ्रॉम एज टू एज, हाउ हैव लैंग्वेजेस ग्रो, और क्या पता चलता है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज देयर, रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर देयर. इट मीन्स वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ मैन एंड इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड. जो भी हमारे हिस्ट्री में हुआ था हमें पता चल गया. फिर हमें पता चल गया कि क्या मिस्टेक्स करी थी पास्ट के लोगों ने. लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूलर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स करी थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया. इट मीन्स वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम आर हिस्ट्री. जो पॉजिटिव चीज़ें थी उससे हम पॉजिटिव चीज़ मीन्स अपनी डेवलपमेंट के लिए लर्न कर पाएंगे. जो उन्होंने मिस्टेक्स करी थी उससे हम ये लर्न कर पाएंगे कि कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, और मैनी मोर थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस हिस्ट्री. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो जो हमारी मीन्स इंडियन एंशंट सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये वर्ल्ड की एंशंट सिविलाइजेशन में से एक है. और व्हेन वी गॉट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, जो हमें पता चला था 1921 में, जब जो आर बी दयाराम साहनी हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय के अंडर द ब्रिटिश रूल, तो उन्होंने जब मीन्स खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पे एक नेम ऑफ प्लेस है हड़प्पा. वहाँ पे हमें पता चला कि रिमेन्स ऑफ दैट एंशंट सिविलाइजेशन वर बरिड अंडर दैट. तो उससे हमने, क्योंकि फर्स्ट जो मीन्स भी हम कह सकते हैं प्लेस जो हमने डिस्कवर करी थी उसका नाम हड़प्पा था, देन वी स्टार्टेड टू कॉल दिस सिविलाइजेशन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट दिस और द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम री इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी थी ये सिविलाइजेशन, कैसे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम सबसे पहले इन शॉर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में डिटेल में भी हमारे चैप्टर में इन रिसोर्सेज में से कुछ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ टू टाउन्स. कौन से टू टाउन्स थे? फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, हड़प्पा जो हमें फर्स्ट टाउन मिला था. सेकेंड टाउन दैट वॉज डिस्कवर्ड, इट इज़ मोहेंजोदाड़ो. सो हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो की जो रिमेन्स, उन टाउन्स के जो रिमेन्स मिले हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, आफ्टर द स्टडी ऑफ दोज रिमेन्स हमें पता चला वट टाइप ऑफ सेटअप इन दिस सिविलाइजेशन वर देयर. तो हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है, हमें ग्रेट बाथ मिला है, असेंबली हॉल मिला है, मैनी मोर पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं. तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि दैट वाज वेल डेवलप्ड एंड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन. ग्रेट बाथ के बारे में डिटेल में टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे. सो ग्रेट बाथ मीन्स अ काइंड ऑफ स्विमिंग पूल, जैसे अभी हमारे पास पूल्स होते हैं ना, तो दैट काइंड ऑफ स्विमिंग पूल. लेकिन इसने बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा था, और गैलरीज थी, रूम्स थे, मैनी मोर थिंग्स वर अवेलेबल. तो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा. सेकेंड इज हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो, ईच हैड इट्स ओन सिटैडल्स. तो सिटैडल क्या होता है? अ काइंड ऑफ हाई एरिया. जैसे हमारे, अगर हमने कोई टाउन कंस्ट्रक्ट करा है दैट इज़ नियर टू सम वाटर बॉडी, तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि हम अपना रेजिडेंशियल उस एरिया में बनाएं, अपने घर उस एरिया में बनाएं जहाँ पे उस वाटर बॉडी का पानी अगर फ्लड आते हैं तो इजीली एंटर ना हो पाए. इट मीन्स ऊंचाई वाला एरिया, एरिया विद हाई एल्टीट्यूड, विद मोर हाइट इट वॉज देयर. तो इस
सिटेडल एरिया को किन लोगों ने अपने अंडर रखा था, या कौन से लोग यहाँ पे रहते थे। देवर फ्रॉम द रूलिंग क्लास, जो राजा लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, या जो रूलिंग क्लास को बिलोंग करते होंगे। ऑल दोज पीपल यूज टू लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जिसको हमने बोला सिटेडल। तो इससे हमें क्या पता चला है कि उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो क्या थी, इलेबोरेट थी। देन और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिस हिसाब से सिस्टमेटिकली उन्होंने घर बनाए थे, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देन है मोर देन 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी सील्स क्या होती हैं, लाइक हम मिट्टी से, क्ले से कोई फ्लैट सरफेस बनाए, कोई टेबलेट लाइक सरफेस बनाए, देन उसके ऊपर जो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसको लिख दें, या इनग्रेव कर दें, या एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी है, किसी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे गहने पहने हैं, वो सारी की सारी डिटेल उस पर देंगे। तो दैट टाइप ऑफ टैबलेट जो क्ले से बनी हुई थी, दैट आर नोन एज सील्स। तो हमने 2000 सील्स डिस्कवर करी हैं फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट डिफरेंट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। तो हमें उन सील से क्या पता चला, कैसी फिजिकल फीचर्स थी लोगों की, कैसी वो ड्रेसेस पहनते थे, कैसे ऑर्नामेंट मीन्स गहने किस तरह के पहनते थे, वट टाइप ऑफ रिलीजियस बिलीव दे पीपल वर हैविंग। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं विद द हेल्प ऑफ सील्स। तो जो सील्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन फोर्थ में है ब्रॉन्ज फिगर। तो वी गॉट वन ब्रॉन्ज फिगर, दैट इज़ ऑफ वन डांसिंग गर्ल, की कोई डांस करती हुई गर्ल का स्टैचू है जो ब्रॉन्ज मेटल की हेल्प से बनाया गया है। देन टेराकोटा फिग्राइन मिली है हमें, दैट अपीयर्स की मदर गॉडेस की है, कि वो लोग मदर गॉडेस की वर्शिप करते होंगे। तो उससे हमें क्या, उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पता चला है। देन और हमें क्या मिला है, हमें एक स्टोन स्टैचू मिला है जो किसी नोबल मैन का होएगा, जो बियर्डेड मैन शो हो रहा है कि उसके फेस के ऊपर, जैसे हम अभी मॉडर्न टाइम में दाढ़ी मूछे रखते हैं ना, बियर्ड रखते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे रखी हुई है। देन तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की इस स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि दे मस्ट हैव बीन क्लेवर क्राफ्ट्समैन, की जो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट था वो काफ़ी डेवलप हो चुका था। नंबर फाइव में है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन मेटल, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि हमें वी गॉट वन ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल, दैट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ देयर क्राफ्ट। तो जो डांसिंग गर्ल है उसके स्टैचू से हमें जितना मीन्स उन्होंने डिटेल में इसको बनाया है उससे पता चलता है कि हाउ परफेक्ट दे वर इन देयर आर्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ क्राफ्ट वर्क। सो डांसिंग गर्ल विद हर राइट हैंड ऑन हर हिप, कि उसने अपना राइट हैंड अपने हिप कमर पे रखा हुआ है, डांसिंग पोस्चर में वो खड़ी है, शी इज़ वेयरिंग नेकलेस, उसने नेकलेस पहना है, और उसके जो हेयर हैं इज़ नीटली फैशनड इन फॉर्म ऑफ अ बन, जैसे अभी मॉडर्न टाइम पे ना हम अपने बाल कॉम करते हैं, उसका जूड़ा सा बनाते हैं, कोई प्लेट्स बनाता है, कोई अलग डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाता है, तो उसने भी अपने जो बाल हैं उसको बांध रखा है। And it is one of the great masterpiece of the Harappan art. जो जितनी डिटेल उसमें शो करी गई है, तो वो डेफिनेटली वी कैन से इट इज़ अ ग्रेट मास्टर पीस ऑफ देयर आर्ट। नंबर सिक्स में है वी गॉट वन डॉकयार्ड। अब डॉकयार्ड कैसे, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बसेस, तो उसके लिए बस स्टैंड होता है, एरोप्लेन्स के लिए हमारे पास एयरपोर्ट होता है, रेलवे के लिए रेलवे स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सिमिलरली फॉर द शिप्स, जो नेविगेशन होती है, जो वाटर बॉडी में हम अपनी शिप्स लेके जाते हैं, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज डॉक यार्ड। तो वी गॉट वन डॉक यार्ड ऑल्सो। तो इससे हमें क्या पता चला है कि डेफिनेटली वो नेविगेशन यूज़ करते थे, वो वाटर बॉडी के थ्रू मे बी ट्रेड करते होंगे, या एटलीस्ट उनके पास शिप्स एंड बोट्स होती होंगी। सो दिस डॉक यार्ड सराउंडेड बाय अ मैसिव ब्रिक वॉल वॉज डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे हमें ये डॉक यार्ड मिला है, दैट इज़ नेम ऑफ प्लेस इज लोथल। तो लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में है। एंड द डॉकयार्ड सजेस्टेड दैट द दे प्रैक्टाइज नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। तो क्योंकि ये जो लोथल है ये अरेबियन सी के साइड वाली प्लेस है, तो वो डेफिनेटली जो अरेबियन सी में और थ्रू दिस डॉकयार्ड मे बी कोई बिजनेस करते होंगे। नंबर सेवन में है द हड़प्पन इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक पीपल ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, जो दूसरी सिविलाइजेशन का नाम है। कई बार अगर वो पूछ भी लेते हैं ना कि गिव नेम ऑफ सम एंशियंट सिविलाइजेशन दैट डेवलप नियर द सेम टाइम पीरियड व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, तो आप उसका नाम लिख सकते हो मेसोपोटामिया। ओके, सो जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपना
राइटिंग स्किल डेवलप करी थी, तो हमारे हड़प्पन पीपल के पास भी उनकी अपनी एक राइटिंग स्किल थी, उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी। अब स्क्रिप्ट क्या होती है? ये स्क्रिप्ट होता है अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ राइटिंग की, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी, पंजाबी एंड सो ऑन लिखते हैं, तो वो भी अपनी लैंग्वेज को लिख पा रहे थे। बट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फॉर, लेकिन अभी तक हम उसको रीड नहीं कर पाए हैं, मीनिंग जज नहीं कर पाए हैं। नंबर 8 में है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सुमेरियन ओरिजिन, जो सुमेरियन पीपल है उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन हमें मिला है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। कैसे मिला है? एट द इंडस सिटीज इंडिकेटेड दैट देयर वर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया, कि जो सुमेरियन पीपल थे एंड जो हमारा हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ इन सुमेरियन पीपल का कोई ना कोई रिलेशन रहा है। मे बी फॉर ट्रेड पर्पज़ वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मीन्स आपस में ट्रेड करते थे। देन द हड़प्पन यूज सेट्स ऑफ क्यूबिकल स्टोन्स एंड वेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न टाइम में चीज़ों को नापने के लिए वी आर हैविंग काइंड ऑफ वेट्स। जैसे अगर हम मीन्स मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स परचेज करने हैं, कोई वेजिटेबल लेनी है, तो हम 1 kg, 2 kg या जितना भी लेते हैं, तो दे पीपल आर हैविंग अ काइंड ऑफ वेट सिस्टम। तो उनके पास kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, सो मैनी टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं। तो हड़प्पन पीपल ऑल्सो यूजिंग दैट टाइप ऑफ स्टोन्स एज देयर वेट सिस्टम, और वो उसकी शेप कौन सी होती थी? क्यूबिकल। तो दीज आर अ काइंड ऑफ सोर्सेज जिनकी हेल्प से वी आर एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन कि किस टाइप की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, कैसे लोग थे, कैसा कल्चर था, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसा रिलीजन था, एंड मैनी मोर थिंग्स। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन थी वो कब शुरू हुई होएगी, कहाँ तक फैली हुई होएगी, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो बिफोर टू स्टार्ट विद, वी मस्ट नो कि हमने कब डिस्कवर करा। सो इन 1921 द आर्कियोलॉजिस्ट अंडर आर बी दयाराम साहनी, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके जो उस समय हेड थे, दैट वॉज आर बी दयाराम साहनी, अनअर्थन द रुइंस ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा। उन्होंने हड़प्पा जो सिटी है, रुइंस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी वो तबाह हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, ओनली उसके रिमेन्स अवेलेबल थे, तो उसको ज़मीन के नीचे से खुदाई के टाइम पे इन्होंने निकाला। एंड दैट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी इन वेस्ट पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। तो इंडिया, अभी देखिए इंडिया, अभी तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया का ही पार्ट था। तो उस एरिया में जो अभी पाकिस्तान में है, उसके वेस्ट पंजाब के जो रिवर रावी के आसपास इस सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले थे। यहाँ पे एक मैप गिवन है आपकी बुक पे, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो डॉटेड एरिया है, दैट इज़ मेजर पार्ट इन पाकिस्तान, फ्यू पार्ट्स इन इंडिया, दैट इज़ दिस गुजरात एरिया एंड पंजाब एंड हरियाणा एरिया। तो यहाँ पे इस सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले थे। तो सबसे पहले जो हमें रिमेन्स मिले थे वो इस एरिया में मिले थे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वेस्ट पंजाब। ओके, देन एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, तो इसलिए हमने क्या करा, इस सिविलाइजेशन को नेम दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये शुरुआत हुई 1921 में। क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कौन थे मेन आर्कियोलॉजिस्ट उस समय जिन्होंने इसकी खोज करी थी? आर बी दयाराम साहनी। ईयर वॉज 1921। देन उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1922 टू 1923 एक्सकवेशन कॉन्टिन्यू रहती हैं। अदर पर्सन है, दैट इज़ रखालदास बैनर्जी, ये भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ही हैं, और इन्होंने क्या करा है, मोहिंजोदाड़ो सिटी जो डिस्कवर करी थी। पहले हड़प्पा डिस्कवर हुई है, फिर मोहिंजोदाड़ो। ईयर इज़ 1922 टू 23। तो ये मोहिंजोदाड़ो कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। अब सिंध भी पाकिस्तान में ही है, इट मीन्स ये एरिया भी डिस्कवर हुआ जो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। Then when further excavations were carried out, similar remains were discovered at, अभी जैसे पहले हमने दो डिस्कवरीज कर ली, हड़प्पा कर लिया, मोहिंजोदाड़ो कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने कंटिन्यू अपना वो वर्क शुरू रखा, इवन टिल द टाइम वी आर मीन्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिमेन्स ऑफ द सिविलाइजेशन। आज भी हमें नए नए एरियाज मिल रहे हैं, नई नई उसकी बारे में डिटेल्स हमें मिल रही हैं। तो अभी फर्दर कहाँ डिस्कवरी शुरू हो गई, चानहुदारो इन सिंध, ये भी पाकिस्तान का ही एरिया है। देन अभी हम पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं,
एरिया इज लोथल दैट इज इन गुजरात, देन कालीबंगा दैट इज इन नदन राजस्थान, रोपर दैट इज इन पंजाब, आलमगीरपुर दैट इज इन उत्तर प्रदेश एंड मैनी मोर एरियाज. तो इन सभी एरियाज में हमें कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मिला है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि इन एरियाज में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो रह रहे होंगे. ओके, देन जो अगर हम पीरियड की बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन कब से कब तक रही है, वी आर नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ डेफिनेट और फिक्स टाइम पीरियड. जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स ईयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो जनरली इसको पीरियड को माना जाता है बिटवीन 3250 एंड 2750 BC. तो इस टाइम पीरियड को माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इस टाइम पीरियड में शुरू हुई होगी, डेवलप हुई होगी, देन फ्लरिश हुई होगी बाद में. देन इट वॉज नियरली सेम पीरियड. तो ये कौन सा टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी. वो कौन सी एंशंट सिविलाइजेशन थी? दैट इज इन इजिप्ट एंड बेबीलोनिया. अभी हमें जैसे हम बोलते हैं ना कि वी आर नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ फिक्स डेट कि कब ये सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी, कितने समय तक ये रही होगी. तो उसका जो एक्यूरेट हम उसकी डेट अगर जज करना चाहें, फॉर दैट वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ रेडियो कार्बन डेट्स. तो रेडियो कार्बन डेट्स क्या होती है? ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को जज कर सकता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट हमने हड़प्पन कल्चर को क्या माना है कि दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 टू 1700 BC की इस टाइम पीरियड के दौरान, जा कह लो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब फ्लरिश हुई होगी, दैट इज इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अप टू दिस ओनली. वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट वीडियो विद सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. टिल द टाइम कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.